पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में डॉक्टर राजीव कुमार के क्षेत्रीय संयोजक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मनोनीत होने पर सम्मान समारोह और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2076 की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके हुआ। आगंतुकों का स्वागत चंदन का तिलक लगाकर किया गया। आर्य समाज की जिला महिला प्रभारी सुदेश आर्या ने हिंदू नववर्ष पर स्वरचित गीत शुभ हो नया साल प्रस्तुत किया और डॉक्टर राजीव कुमार को शुभकामनाएं प्रेषित की। कवि विवेक निर्मल ने अपनी कविता अभावों का जिस घर वंदन होगा उस घर वन नंदन होगा से डॉक्टर राजीव का अभिनंदन किया। रमेश आर्य ने भारतीय नववर्ष के बारे में बताया और कहा कि ये सिर्फ हिंदू नववर्ष ही नहीं है वरन संपूर्ण प्रकृति का नववर्ष है। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजीव कुमार को शॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में गदा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी डॉक्टर राजीव कुमार को माला पहनाकर सम्मानित किया। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में यहाँ पर जो नूतन नववर्ष है उसकी पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय नववर्ष जो चैत्र में प्रारंभ होता है वो 6 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और हम लोग राष्ट्रवादी लोग, हम लोग अपने संस्कारों को मानने वाले लोग, अपने परिवारों में त्योहारों को मनाने वाले लोग इस नववर्ष को बड़ी प्रमुखता के साथ हम लोग मनाते आए हैं। ये संस्कार का पर्व है, ये ऐसा पर्व है, उल्लास का पर्व है। एक तरफ इंग्लिश नव कैलेंडर होता है, दूसरी तरफ भारतीय नव कैलेंडर है। दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ इंग्लिश कैलेंडर अंधेरी रात में ख़त्म होता है और नया वर्ष अंधेरी रात में शुरू होता है, वहाँ ये भारतीय नववर्ष बसंत के मौसम में जब पुष्प मुस्कुरा रहे होते हैं, पेड़ों पर नई पत्तियाँ आ गई होती हैं, ऐसे में प्रारंभ होता है जब चारों तरफ चेतना का संचार होता है, तो ऐसा नववर्ष शुरू होने वाला है। मैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस नववर्ष पर हमारे सबके परिवारों में खुशहाली आए, उल्लास आए, भगवान सबको समृद्धि दे, सब अपने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका सफलतापूर्वक निर्वाह करें। इस अवसर पर मेरा परम पिता एक माता से यही मेरा अनुरोध है।